बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह तुम्हें इंसान की मोहब्बत से गुजार कर खुद तक लाता है। जितना रोए किसी की खातर सजदों में रोते खुदा मिल जाता। यहाँ बिकता है सब कुछ, ज़रा संभल कर चलना। लोग हवाओं को भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर। किताबों की अहमियत अपनी जगह साहिब, सबक वही याद रहता है जो वक़्त और लोग सिखाते हैं। सोच कैसी है, ईमान कैसा है, अल्फाज बता देते हैं इंसान कैसा है। रंगों में वो रंग कहाँ जो रंग लोग बदलते हैं। जो अल्लाह के दिए को काफ़ी समझे वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। ज़िंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कात करके ख़रीदता है। मैंने लोगों की भीड़ में लोगों के लिए तरसते देखा है। तल्लक रूह का हो तो दिल नहीं भरा करते हैं। छोटे जहनों में हमेशा ख्वाहिशें और बड़े जहनों में हमेशा मकासद हुआ करते हैं। खूबसूरत ज़िंदगी का राज दुआ की जाए, दुआ दी जाए, दुआ ली जाए। ज़रूरी नहीं कि हर लिखा जाने वाला लफ्ज़ पढ़ने वाले के मियार के मुताबिक हो। लिखने वाला अपनी कैफियत जबकि पढ़ने वाला अपनी कैफियत में होता है। वक़्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कब कौन कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। बदलती हुई चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर यकीन कीजिए बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ देते हैं। हार जाना सिर्फ सफ़र तर्क कर देने में है। मंजिल की जानब आस्ता आस्ता बढ़ने वाले को हारा हुआ नहीं कहते, वो भी अपने मकाम पर पहुंच जाता है। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो, वो खुद लौट आएंगे। मगर इस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं बल्कि पछतावे से लौटते हैं। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बता बता कर उनके साथ रहने की भीख मत मांगें। अपनी कुछ बुराइयाँ बताकर देखें कौन कौन साथ चलता है, सब मालूम हो जाएगा। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। अगर इंसान को ना बिगड़ाए तो अकेला ज़रूर कर देती है। ज़िंदगी में मिलता तो बहुत कुछ है, बस हम हिसाब उसी का रखते हैं जो ना मिल सका। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल दिखाना है, चाहे वो मोमन का हो या काफर का। सबसे ख़तरनाक नाराज़गी वो होती है जिसमें आप कभी उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज़ हैं। पुराने लोग समझदार थे, तलाकात संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, तल्लक से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो तल्लक रखते हैं।